तो देखें, अगर हम बात करें सिंपली सिंगल इनहेरिटेंस की, तो मैंने ये बताया था कि सिंपल हमारे पास में पेरेंट क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, ठीक है। इससे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने यही समझा था कि हम सिंपली चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के फंक्शन को मेन में कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज चाइल्ड क्लास में भी कॉल कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। अब आगे नेक्स्ट जो हमारे पास में आज का कंसेप्ट है वो सिंपल है। हमने पढ़ा था, आगे प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, अगर मैं बात करूं मेथड ओवरलोडिंग की, ठीक है। हमारे पास में दो वर्ड्स यहाँ पर सिमिलर तो नहीं कह सकते, बस हमारे पास में दो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास में मेथड ओवरलोडिंग, और दूसरी जो टर्म है वो है हमारे मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब अगर मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो हमने देखा था कि हम मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे फंक्शन हमने देखा था कि वो सेम क्लास में पॉसिबल है। हम सेम क्लास में एक ही नाम के अलग अलग फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने कंस्ट्रक्टर टॉपिक में भी ओवरलोडिंग पढ़ा था, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कैसे पॉसिबल है। जैसे नॉर्मल फंक्शन की ओवरलोडिंग पॉसिबल है, वैसे ही हमारे पास में कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग पॉसिबल है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं मेथड ओवरलोडिंग की, तो जब हम एक ही क्लास में अगर मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं लेकिन सबका नाम क्या है, सेम है, तो वो कहलाएगा मेथड ओवरलोडिंग। इनहेरिटेंस में हमारे पास में एक और कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। आप शायद इसको जावा में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर C++ में एग्जैक्टली क्या है टॉपिक वो हम एक बार वापस देखेंगे। अगर मैं बात करूं मेथड ओवरराइडिंग की, ठीक है, तो जब हम सेम नाम का फंक्शन बना रहे हैं, दोनों के केस में फंक्शन का नाम सेम होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो विद इन अ क्लास हम बनाते हैं, यानी कि एक ही क्लास में सेम नाम के एक से ज्यादा फंक्शन लेकिन अलग अलग सिग्नेचर के साथ में। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग के केस में हम जो फंक्शन बनाएंगे वो अलग अलग क्लासेस में होंगे, ठीक है। तो अलग अलग क्लासेस में सेम नाम के फंक्शन अगर हम क्रिएट करते हैं तो ये कंसेप्ट कहलाएगा मेथड ओवरराइडिंग का, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे वापस से पर्सन क्लास क्रिएट की है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन मैंने नेम और एज दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, और इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। एक्सेप्ट फंक्शन में यहाँ पर नेम और एज का इनपुट लिया जाएगा, एज लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने देखा था। ऐसे ही डिस्प्ले फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि नेम और एज को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, तो इसका कुछ इस तरीके से ये डायग्राम हम समझ सकते हैं कि पर्सन हमारे पास में पेरेंट क्लास है, और इस केस में जो एम्प्लॉय है वो इस पर्सन क्लास की चाइल्ड क्लास है, ठीक है। एम्प्लॉय चाइल्ड क्लास तो है, कैसे पता चल रहा है, अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट शो कर रहा है कि आपके पास में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो क्लास है वो पर्टिकुलर क्लास पर्सन क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस डायग्राम के थ्रू इसको, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया। अब इस एम्प्लॉय क्लास में मैंने एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दो डेटा मेंबर्स यूज किए हैं, क्रिएट किए हैं। देन एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन मैंने वापस से क्रिएट किया है। अब आप देखिए इस एग्जाम्पल में भी मैंने एम्प्लॉय क्लास में जो फंक्शंस क्रिएट किए हैं उनका नाम एक्सेप्ट है, और इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी जो फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे उनका नाम भी क्या था, एक्सेप्ट ही, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास की बात करूं मैं, लेकिन जो पर्सन क्लास थी वहां पर इसे प्रीवियस एग्जाम्पल में फंक्शन का नाम कुछ और था, एक्सेप्ट डेटा था। लेकिन अब आप देखिए इस एग्जाम्पल में चाइल्ड क्लास में जो फंक्शंस के नेम है वही पेरेंट क्लास के फंक्शंस के नेम है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली क्या सिनेरियो हुआ है यहाँ पर, क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ कि दोनों क्लास में फंक्शंस के नेम सेम है
डेटा मेंबर्स भले ही डिफरेंट है लेकिन फंक्शन के नेम तो दोनों में सेम है, तो आप कॉल कैसे करेंगे? देखें, अगर मैं मेन मेथड में, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट करूंगी और यहाँ पर इवन डॉट एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करूंगी, तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेप्ट फंक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले उसको जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी में सर्च किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट फंक्शन को सबसे पहले चाइल्ड क्लास में सर्च किया जाएगा, चाइल्ड क्लास में एक्सेप्ट नाम का फंक्शन है तो सिंपली उसको कॉल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन तो यहाँ पर कॉल हो जाएगा, लेकिन अब हम पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को कैसे कॉल करें? अगर हम यहाँ पर पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल एक्सेप्ट लिखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में फंक्शन का नाम था एक्सेप्ट डेटा, तो हमने सिंपल एक्सेप्ट डेटा लिखा था, तो पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट डेटा फंक्शन कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों पेरेंट और चाइल्ड में फंक्शन के नेम भी सेम है, तो अब अगर इस केस में मैं यहाँ पर एक्सेप्ट लिखूंगी तो एग्जैक्टली क्या होगा? चाइल्ड क्लास का ही जो एक्सेप्ट फंक्शन है वो वापस से कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर वापस से हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, लेकिन हमें तो पेरेंट क्लास का फंक्शन जो एक्सेप्ट नाम का है वो कॉल करना। हम एग्जैक्टली ऐसा चाह रहे हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लेने से पहले पर्सन क्लास के नेम और एज का इनपुट लिया जाए। ठीक है, पर्सन का नेम और एज पहले, उसका एम्प्लॉय आईडी और सैलरी बाद में। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो हमें यहाँ पे मतलब इस तरीके से काम करना है। तो देखें, पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर सी प्लस प्लस में जो सिंटेक्स है वो कैसे फॉलो करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले जब पेरेंट और चाइल्ड दोनों में फंक्शन का नेम सेम हो, और अगर हम पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल करना चाह रहे हैं तो देखें इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होगा, प्लस साथ में उस पेरेंट क्लास का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम था पर्सन और इसके बाद हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इम्प्लीमेंट किया, तो ये एक और यूज हो गया। ठीक है, एक हमने स्टैटिक के साथ यूज देखा था, एक हमने ये देखा था कि क्लास के बाहर भी हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, और एक यूज ये है कि अगर हमें पेरेंट क्लास के ऐसे फंक्शंस को कॉल करना है जिनका कि जो सेम जो कि चाइल्ड क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखें दोनों क्लास में एक्सेप्ट फंक्शन है लेकिन दोनों की कोडिंग अलग अलग है, दोनों का सिग्नेचर भी सेम हो गया लेकिन दोनों की कोडिंग अलग अलग है। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लिया है, और पर्सन क्लास के एक्सेप्ट में मैंने क्या किया है, सिंपल नेम और एज का इनपुट लिया है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो क्या कहलाएगा, मेथड ओवरराइडिंग का। ठीक है, कि दोनों यानी कि पेरेंट और चाइल्ड में सेम नाम का फंक्शन क्रिएट किया गया और दोनों का नाम भी सेम है, सिग्नेचर भी सेम हो गया, लेकिन दोनों में कोड अलग अलग है। ठीक है, अब अगर हम पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो ये तरीका रहेगा हमारे पास में कि पेरेंट क्लास का नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम जिसको कि आप कॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देन आफ्टर दैट मैंने एक्सेप्ट फंक्शन पेरेंट के कॉल करने की बात, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर नेम और एज का इनपुट लिया जाएगा, देन उसके बाद वापस से यही फंक्शन में सैलरी, और ये फंक्शन जब पूरा कॉल हो जाएगा वापस से प्रोग्राम का कंट्रोल यहीं पर शिफ्ट हो जाएगा, तो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होने के बाद अगर हम डिटेल्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो देखिए, मैंने डिस्प्ले इवन ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, तो सिंपल जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी में सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन को सर्च किया जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन इस चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट करता है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो डिस्प्ले फंक्शन पहले उसी क्लास का कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का। अब यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने से पहले मैंने पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है।
ठीक है, यहाँ पर भी फंक्शन का नाम डिस्प्ले था और पेरेंट क्लास में भी डिस्प्ले है। तो अब इस केस में जो कॉन्फ्लिक्शन है, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अगर हम सिंपल डिस्प्ले लिखेंगे तो मैंने अभी क्या बताया कि एक तरीके से रिकर्जन हो जाएगा, कि फंक्शन के अंदर हमने वापस से फंक्शन को कॉल कर दिया। तो हमें ऐसा कुछ काम नहीं करना है, हमें पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। तो इसीलिए पेरेंट क्लास का नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और देन आपको फंक्शन का नाम लिखना है जो कि आपको कॉल करना है। ठीक है, इससे पेरेंट क्लास का फंक्शन पहले कॉल होगा डिस्प्ले नाम का, देन चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। ये कंसेप्ट हमने देखा मेथड ओवरराइडिंग का। अब अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो लेट्स से कि मैंने नेम एज का इनपुट ये लिया, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वैल्यूज है हमारे पास में, लेट्स से कि मैंने 101, और सैलरी में क्योंकि मैंने लॉन्ग टाइप का लिया था वेरिएबल सैलरी तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सिंपल डिटेल्स को डिस्प्ले करवाने की, तो पहले पेरेंट क्लास की वैल्यूज जो है डेटा मेंबर्स की वो डिस्प्ले होगी, देन चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी। और कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू ये काम हुआ, चाइल्ड क्लास के E1 नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये काम किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करें। अच्छा, पेरेंट क्लास के फंक्शन को आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के नेम के साथ यहाँ पर भी उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा ही था ये सेम कंसेप्ट। आगे विजिबिलिटी मोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने आगे कुछ एग्जाम्पल से इनको वापस से समझाया है विजिबिलिटी मोड को, मैंने अभी सिर्फ उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज वो भी टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के, बाद में नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हमने यही देखा था कि एक पेरेंट और एक चाइल्ड का कंसेप्ट था, कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक और लेवल हम ऐड कर दें, यानी कि हमारे पास में सबसे पहले अगर एक लेवल और ऐड कर दे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में, तो वो कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये रहेगी कि एक हमारे पास में क्लास होगी पेरेंट क्लास, ठीक है, और एक ऐसी क्लास भी एग्जिस्ट करेगी जो किसी एक क्लास की तो चाइल्ड क्लास होगी और दूसरी क्लास के लिए वो पेरेंट क्लास कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली मैंने क्या बोला। इसका अगर हम डायग्राम देखें या सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि बेसिकली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डिराइव कर सकते हैं एक से ज्यादा क्लासेस को। ठीक है, एक क्लास से डिराइव कर सकते हैं दूसरी क्लास को, लाइक दैट। देखिए ए और बी हमने पहले सिंगल इनहेरिटेंस में भी देखा था कि ए हमारे पास में एक क्लास थी, ठीक है, पेरेंट क्लास हो गई, बी इसकी चाइल्ड क्लास है। कैसे पता चल रहा है, इस एरो से। ठीक है, तो बी यहाँ पे चाइल्ड क्लास है और ए यहाँ पर पेरेंट क्लास है। लेकिन आप एक कंसेप्ट और जो नोटिस करने वाला रहेगा वो ये रहेगा कि मैंने सी एक क्लास और ऐड कर दी जो कि एग्जैक्टली बी की क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो अब इस केस में सी चाइल्ड क्लास में ए की भी प्रॉपर्टीज होंगी, बी की भी प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब ये क्लास ए के मेथड्स को भी कॉल कर सकती है। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी का, सी क्लास का, तो सिंपल हम बी और ए दोनों के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं मल्टी लेवल की, तो यहाँ पर हम एक से ज्यादा लेवल सेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल में हमने यही देखा था एक पेरेंट और एक चाइल्ड, तो अब यहाँ पर देखिए कि बी क्लास जो है वो ए की तो क्या है, चाइल्ड क्लास है, लेकिन इस केस में बी क्लास सी की क्या है, पेरेंट क्लास। सेम विद सी, कि सी क्लास जो है सिंपली बी क्लास की क्या है, पेरेंट क्लास, और बी क्लास की चाइल्ड क्लास है।
मतलब एक डिराइव क्लास क्या कर रही है, दूसरी क्लास को वापस से डिराइव कर रही है. दैट मीन्स एक चाइल्ड क्लास किसी और क्लास की पेरेंट है. इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ जो मैंने फर्स्ट लाइन आपको समझाई. ठीक है, तो ये बात हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. एक से ज्यादा लेवल्स हैं, जैसे आप लोगों ने ट्री में देखा था. ठीक है, ग्राफ में भी आपने देखा था कंसेप्ट लेवल्स का. सिंपल अगर मैं बात करूँ ट्री की, तो ट्री में आपने अलग अलग लेवल्स देखे थे, रूट नोड होता है, इस तरह से कुछ कंसेप्ट आपने देखा था. तो वैसे ही यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से कुछ लेवल्स हैं हमारे पास में, इसलिए हम इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे. तो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अगर, तो मैंने यहाँ पे तीन क्लासेस के एग्जाम्पल को आपको समझा मैं समझाने वाली हूँ कि एक पर्सन क्लास होगी जो कि टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास होगी. ठीक है, एक एम्प्लॉय क्लास होगी जो कि पर्सन क्लास की क्या होगी, चाइल्ड क्लास हो जाएगी. ठीक है, इस एरो से हम समझ सकते हैं कि ये क्लास तो क्या है, चाइल्ड हो गई, और पर्सन क्लास यहाँ पर क्या हो गई, पेरेंट हो गई. किसकी पेरेंट? एम्प्लॉय क्लास की. ठीक है, सेम मैंने एम्प्लॉय क्लास का एक और चाइल्ड बना दिया, दैट इज मैनेजर. ठीक है, तो मैनेजर क्लास चाइल्ड क्लास हो गई एम्प्लॉय क्लास की. तो ये कुछ सिनेरियो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं. ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको लेवल्स बताए इनको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. तो अगेन पर्सन और एम्प्लॉय क्लास प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे ही है. यहाँ पर भी नेम और एज दो डेटा मेंबर्स हैं, और इनमें वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो इन डेटा मेंबर्स में इनपुट लिया जाएगा. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर इनपुट लेने के लिए मैंने एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट किया है. और डिस्प्ले फंक्शन की बात करूं तो मैंने दोनों नेम और एज को डिस्प्ले करवाया है. अब इस केस में एम्प्लॉय क्लास जो है हमारे पास में, वो किसकी चाइल्ड क्लास थी? पर्सन क्लास की. ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने विजिबिलिटी मोड पब्लिक ऐड किया है. पब्लिक का मतलब और प्राइवेट, दो कीवर्ड्स का मतलब मैंने विजिबिलिटी मोड की केस में समझाया था कि अगर हम विजिबिलिटी मोड यहाँ पर पब्लिक मेंशन करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये रहेगा कि हम पेरेंट क्लास के पब्लिक मेथड्स को चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं, प्लस मेन में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी मोड यहाँ पर क्या होता? प्राइवेट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है. अगर हम कुछ भी नहीं मेंशन करें तो वो प्राइवेट होता है. एग्जाम्पल अभी मैंने मेंशन किया है, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल इसी के होंगे विजिबिलिटी मोड्स के ही, तब कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. अभी सिर्फ हम पब्लिक को ही समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. तो इस केस में मैंने एम्प्लॉय क्लास को, यस, आगे प्रोसीड करने से पहले कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में पब्लिकली मैंने इनहेरिट किया है किसको, जब हम पब्लिक विजिबिलिटी मोड मेंशन करते हैं पेरेंट क्लास के जस्ट पहले, तो हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं, ये टर्म यूज करते हैं कि हमने पर्सन क्लास को पब्लिक, यानी कि पेरेंट क्लास पर्सन थी उसको हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है. किसमें? चाइल्ड क्लास में. ठीक है, तो कंसेप्ट तो अभी मैंने समझाया कि जो पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स हैं उनको आप चाइल्ड में और मेन में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो. डायरेक्टली आई मीन टू से कि ऑब्जेक्ट के साथ, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर अगर चाइल्ड क्लास में ही यूज करना है तो फंक्शंस को कॉल कर सकते हो. ठीक है, अब ऐसे ही एम्प्लॉय जो क्लास है उसमें जो डेटा मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एम्प्लॉय आईडी और सैलरी. ठीक है, ये दो डेटा मेंबर्स रहेंगे इस क्लास में. अगेन मैंने यहाँ पर वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट डेटा नाम से फंक्शन बनाया. ठीक है, तीनों क्लास में सेम नाम का फंक्शन ना बनाकर मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है. ठीक है, और ऐसे ही मैं अगर बात करूं डिस्प्ले डेटा फंक्शन की, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपली डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले डेटा नाम से फंक्शन क्रिएट किया है. अब अगर आप पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में भी कॉल करना चाहते हैं, तो क्योंकि दोनों क्लास में फंक्शन के नेम अलग अलग है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक्सेप्ट अगर लिखेंगे तो भी वो वैलिड है. ठीक है, और यहाँ पर भी इस केस में डिस्प्ले लिखेंगे तो भी वो वैलिड रहेंगे. अब इन फंक्शंस के बाद में अगर
हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, दो लेवल्स हम देख चुके हैं, पहली हमारी पर्सन क्लास थी और सेकंड हमारे पास में एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। अब एम्प्लॉय क्लास भी किसी ना किसी क्लास की पेरेंट क्लास है, तो देखें मैनेजर क्लास जो है हमारे पास में मैंने क्रिएट की है, ठीक है। इस मैनेजर क्लास को मैंने चाइल्ड क्लास बनाया है, कौन सी क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का। और किस तरीके से इनहेरिट किया है मैंने एम्प्लॉय क्लास को, मैंने इनहेरिट किया पब्लिकली, विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि पब्लिक मेंबर्स जो है एम्प्लॉय क्लास के वो चाइल्ड क्लास में यूज हो सकते हैं और मेन में भी यूज हो सकते हैं। इसके बाद मैंने इस मैनेजर क्लास में अलाउंस नाम से एक डेटा मेंबर मेंशन किया है और एक्सेप्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया अलाउंस का इनपुट लेने के लिए, ठीक है। मैनेजर है तो अलाउंस का इनपुट लिया जाएगा और एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। तो इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि एक मैनेजर एम्प्लॉय भी है और एक मैनेजर पर्सन भी है, ठीक है। क्योंकि मैनेजर क्लास में दोनों क्लासेस की, दोनों जो उसकी पेरेंट क्लास है उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज या दोनों के मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नाम से जो फंक्शन है यहाँ पर उसमें अलाउंस को मैंने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। हायरार्की मैंने अभी बताया, सबसे टॉप मोस्ट पे हमारे पास में पर्सन क्लास एग्जिस्ट कर रही है। अगर डायग्राम वापस से देखें तो पर्सन क्लास टॉप मोस्ट हायरार्की पर है, देन एम्प्लॉय क्लास पर्सन क्लास की चाइल्ड क्लास है और लास्ट में मैनेजर क्लास, ठीक है। दोनों की इनडायरेक्टली पर्सन की भी चाइल्ड क्लास है और डायरेक्टली एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन की, तो मैंने सबसे बॉटम मोस्ट जो चाइल्ड क्लास है उसी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एम्प्लॉय क्लास का भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं रहेगा जब हम जो बॉटम मोस्ट चाइल्ड क्लास है उसके के साथ भी हम एम्प्लॉय क्लास के फीचर्स को यूज कर सकते हैं, तो अननेसेसरीली हमने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर मैनेजर क्लास की डिटेल्स के लिए इनपुट लेने के लिए मैंने एक्सेप्ट डेटा और एक्सेप्ट दो फंक्शंस को कॉल किया, ठीक है। अब सबसे पहले अगर एक्सेप्ट डेटा फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले इस फंक्शन को इस मैनेजर क्लास में सर्च किया जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन मैनेजर क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो उसकी टॉप मोस्ट मतलब इसकी जो एक लेवल अप वाली क्लास है उसमें सर्च किया जाएगा, दैट मीन्स एम्प्लॉय क्लास में, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास में एक्सेप्ट डेटा फंक्शन कॉल होगा और उससे भी पहले जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसका एक्सेप्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है। तीनों क्लासेस में फंक्शन के नेम सेम नहीं थे, मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, सिर्फ पर्सन क्लास में एक्सेप्ट नाम का फंक्शन है और मैनेजर क्लास में एक्सेप्ट नाम का फंक्शन है, तीनों क्लासेस में एक्सेप्ट फंक्शन नहीं है। तो दो लेवल्स पर मेथड ओवरराइडिंग जरूर फॉलो हो रहा है लेकिन मिडिल लेवल पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन जब कॉल होगा तो हमें पता है कि पर्सन क्लास के जो नेम और एज है उनका इनपुट लिया जाएगा, देन एम्प्लॉय क्लास का जो एक्सेप्ट डेटा फंक्शन है वो उसके बाद कॉल होगा, ठीक है। ये फंक्शन जब प्रॉपरली कॉल हो जाएगा तो वापस से कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वापस से मेन मेथड की, तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है, तो अब इस केस में कौन सा एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले चाइल्ड जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो मैनेजर क्लास में ही सर्च किया जाएगा, ठीक है। तो मैनेजर क्लास में एक्सेप्ट नाम का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यानी कि इसी के साथ पर्सन का नेम एज के इनपुट लेने के बाद एम्प्लॉय का आईडी और सैलरी का इनपुट लेने के बाद लास्ट में अलाउंस जो डेटा मेंबर है उसका इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। उसका इनपुट लेने के बाद डिटेल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए भी मैंने यही तरीका फॉलो किया। पहले मैंने एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका उसके साथ में डिस्प्ले डेटा फंक्शन कॉल किया, तो अब डिस्प्ले डेटा फंक्शन अगेन एम्प्लॉय क्लास में एग्जिस्ट करता है
ठीक है, तो एम्प्लॉय क्लास के लिए सबसे पहले जो पेरेंट क्लास है उसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है। सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि हम चाइल्ड से पहले पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पेरेंट क्लास के फंक्शन को पहले कॉल किया है, मैनेजर क्लास में भी यही किया है। ठीक है, तो मैनेजर के डिस्प्ले को कॉल करने से पहले पेरेंट क्लास के मैनेजर से जस्ट ऊपर लेवल का जो एम्प्लॉय क्लास है उसी के डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलिंग होने के बाद अगर मैं बात करूं इनपुट की, मतलब आउटपुट की, तो देखिए आउटपुट में मैंने सबसे पहले यहाँ पर पर्सन का नेम, एज का इनपुट लिया है। देन हमने देखा था कि पर्सन के साथ में डिस्प्ले फंक्शन एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होने के बाद एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लिया गया। देन उसके बाद मैनेजर क्लास के अलाउवेंस डेटा मेंबर का इनपुट लिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ जो इनपुट लिया गया उसको मैंने सिंपली डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल किया, और डिस्प्ले डेटा फंक्शन ने भी सबसे पहले क्या किया, पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, यानी कि पर्सन क्लास का डिस्प्ले पहले कॉल हुआ, तो इसीलिए नेम और एज वहीं की वैल्यूज थी पर्सन क्लास की, तो पहले वो डिस्प्ले हो जाएंगी। देन एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले होगा, सैलरी डिस्प्ले होगी, और लास्ट में जो सबसे बॉटम मोस्ट क्लास थी दैट इज मैनेजर, तो उसके डेटा मेंबर को हमने डिस्प्ले करवाया था। इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट विजिबल होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट वही है जो आपने जावा में देखा था, बस यहाँ पर कुछ इनहेरिटेंसेस और एड ऑन हुई है। ठीक है, टोटल 6 इनहेरिटेंसेस है यहाँ पर, और सिंटेक्स थोड़ा सा अलग मिलेगा, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो अगेन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है। अब इसमें मैंने मेथड ओवरराइडिंग को यहाँ पर क्या किया है, फुली मतलब एक पूरी तरीके से मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो पेरेंट क्लास के फंक्शन को हम पहले कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास के फंक्शन के कॉलिंग से पहले। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अगेन सेम एग्जाम्पल है, पर्सन क्लास देन एक्सेप्ट और डिस्प्ले पर्सन क्लास के, देन मैंने एम्प्लॉय क्लास को यहाँ पर चाइल्ड क्लास बनाया है वापस से पर्सन क्लास का। प्रीवियस एग्जाम्पल एज इट इज है, बस समझने वाली बात क्या रहेगी कि तीनों क्लास में जो फंक्शंस के नेम है वो देखिए यहाँ पर भी एक्सेप्ट और डिस्प्ले है, ये दोनों एक्सेप्ट और डिस्प्ले नेम और एज का इनपुट लेकर उनको डिस्प्ले करवाएंगे, और एम्प्लॉय क्लास में भी जो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी है उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए एक्सेप्ट फंक्शन है। ठीक है, और डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले फंक्शन। समझने वाली बात यह है कि दोनों क्लास में फंक्शन का नेम सेम है, तो अब इस केस में पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए, एम्प्लॉय क्लास के पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए वापस से सबसे पहले पेरेंट क्लास का नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और देन फंक्शन का नेम आपको मेंशन करना होगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा बिल्कुल एज इट इज वैसे ही। सेम मैंने यहाँ पर भी डिस्प्ले फंक्शन जो बनाया है, ठीक है, तो अब डिस्प्ले फंक्शन एम्प्लॉय क्लास का है, तो एम्प्लॉय क्लास से पहले पेरेंट क्लास पर्सन थी, तो उसके डिस्प्ले फंक्शन को मैंने इस तरीके से कॉल किया है। ठीक है, ये तरीका आपको बस यहाँ पर याद रखना होगा कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ आपको क्लास का नेम देना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं मैनेजर क्लास की, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यही डेटा मेंबर था, यहाँ पर भी यही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर भी एक्सेप्ट नाम का फंक्शन बनाया है और डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास जो थी मैनेजर, तो मैनेजर क्लास के एक्सेप्ट और डिस्प्ले को कॉल करने से पहले मैंने उसकी जो मतलब उससे एक लेवल अपर में जो पेरेंट क्लास थी यानी कि एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, अगर इस डायग्राम के थ्रू देखें तो देखें कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैनेजर क्लास की जो एक एक अपर लेवल की जो क्लास थी दैट इज एम्प्लॉय, तो उसके पहले फंक्शंस को कॉल किया है, तो यहाँ पर ये देखें कि पर्सन सॉरी मैनेजर क्लास के एक्सेप्ट को कॉल करने से पहले
इम्प्लॉय क्लास के एक्सेप्ट को कॉल किया, और हम चाहें तो यहाँ पर भी पर्सन क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा। अगर हम एक्सेप्ट लिखते तो कॉन्फ्लिक्शन होता कि कौन सी क्लास का फंक्शन कॉल होगा। कॉन्फ्लिक्शन भी अगर हम कहें तो नहीं होता, बस उसी क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हो जाता अगर मैं यहाँ पर वापस से ये स्टेटमेंट मेंशन करती। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पर एक तरीके से रिकर्जन का काम करता, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। अगर हम पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो मेंशन करना होगा कि किस क्लास के फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ मैनेजर क्लास की जो पेरेंट क्लास थी उसी का ही एम्प्लॉय एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया, और सेम डिस्प्ले में भी यही काम किया। अब जब हम पेरेंट क्लास के थ्रू सबसे बॉटम मोस्ट जो चाइल्ड क्लास है मैनेजर क्लास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें पता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब यहाँ पर तो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया नहीं है, तो फिर कैसे कॉल होगा? तो मैंने बताया था इस केस में यहाँ पर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। उसका काम कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वो कॉल जरूर होगा। ठीक है, वो एक तरीके से डू नथिंग कंस्ट्रक्टर भी कहलाता है, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट फंक्शन की, ठीक है, तो जब मैं इस चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, चाइल्ड क्लास में भी एक्सेप्ट फंक्शन है उसकी जस्ट अपर लेवल की, और उससे एक और लेवल की जो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास है, दोनों में एक्सेप्ट नाम का फंक्शन है। तो तरीका वही है कि पहले एक्सेप्ट फंक्शन जो कॉल होगा, ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास का यानी कि मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, तो मैनेजर क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, और उससे पहले हमने उसके पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है। और जब एम्प्लॉय का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, तो देखें उससे भी पहले हमने पेरेंट क्लास, उसकी जो पेरेंट क्लास थी पर्सन, उसका एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया है। सेम यही हमने कंसेप्ट फॉलो किया है डिस्प्ले फंक्शन के साथ। तो प्रीवियस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम दोनों का आउटपुट सेम ही है। सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज को वैल्यूज का इनपुट लिया गया, ठीक है, नेम, एज, पर्सन क्लास के डेटा मेंबर्स से, देन एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लिया गया जो कि एम्प्लॉय क्लास के डेटा मेंबर्स से, और उसके बाद मैनेजर क्लास के डेटा मेंबर का इनपुट लिया गया। ठीक है, और इनको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैनेजर क्लास के साथ में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो वापस से वही कंसेप्ट फॉलो होगा कि पहले मैनेजर क्लास से पहले एम्प्लॉय क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, और एम्प्लॉय क्लास से भी पहले पेरेंट क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कॉल होगा। कॉलिंग का तरीका भी हमने देखा था। तो ये यहाँ पर एज अ आउटपुट के तौर पर जो वैल्यूज हमने इनपुट ली उनका ये रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिए। लास्ट आज की क्लास का जो कंसेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट रहेगा वो एक बार विजिबिलिटी मोड को हम देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को विजिबिलिटी मोड का मतलब समझाया था, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का मतलब एक बार हम देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने पर्सन क्लास को वापस से यूज किया है, दो डेटा मेंबर्स हैं। इस एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 160, ठीक है, तो पहले प्राइवेट विजिबिलिटी मोड की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है वो देख रहे हैं। पर्सन क्लास के दो डेटा मेंबर्स हैं, नेम और एज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट डेटा नाम से फंक्शन क्रिएट किया है वैल्यूज को डिस्प्ले कर एक्सेप्ट करने के लिए, और डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं विजिबिलिटी मोड की बात करूं तो विजिबिलिटी मोड यहाँ पर क्या है, मैंने पर्सन क्लास को किस तरीके से इनहेरिट किया है, प्राइवेटली इनहेरिट किया है। तो अब समझने वाली बात क्या रहेगी, सिर्फ इतना सा आपको समझना है। एग्जाम्पल बाकी एज इट इज है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपके पास में क्या कंसेप्ट रहेगा कि अगर आप यहाँ पर सिंपल एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस करेंगे कहाँ पर, मेन में, तो वो सिंपल आपको क्या शो करेगा, एरर शो कर देगा। ठीक है,
और पेरेंट क्लास के अगर हम फंक्शन को मेन में कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर वो क्या करेगा, आपके पास में एरर शो करेगा। यानी कि इन फंक्शंस को जब हम क्या करते हैं, प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, एम्प्लॉय क्लास को हम चाइल्ड बना रहे हैं पर्सन क्लास का, ठीक है। और पर्सन क्लास को हम सिंपल यहाँ पर विजिबिलिटी मोड मैंने प्राइवेट मेंशन किया है। तो अब इसका सिंपल मतलब ये है कि पेरेंट क्लास के फंक्शंस जो कि पब्लिकली डिफाइंड है, उनको हम मेन में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें, अगर मैं बात करूं मेन की, तो मेन में हम इनको अगर कॉल करेंगे तो ये सिंपली एरर शो करेगा, ठीक है। बाकी कैसे कॉलिंग होगी, चाइल्ड पे तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेन में प्रॉब्लमेटिक ये सिनेरियो क्रिएट करेगा, बाकी चाइल्ड में आप इनको डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस एग्जाम्पल को हम एक बार वापस देखेंगे।